जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। कुछ समय पहले आप देख रहे थे परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मंजिनेन्द्र आदिनाथ जनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित DDA ग्राउंड में आज भगवान के मोक्ष कल्याण की शुभ क्रियाएं की जा रही हैं। तो आइए दर्शकों, जनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं महोत्सव स्थल और सम्मिलित होते हैं इस महा महोत्सव में। जय बोलिए अधिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, मुनि सुरनाथ भगवान की जय, बोलो पदम प्रभु भगवान की जय, बोलो चौबीसों भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवत विद्या सागर जी महाराज की जय, बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, मुनि सुरनाथ भगवान की जय, बोलो पदम प्रभु भगवान की जय, बोलो चौबीसों भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवत विद्या सागर जी महाराज की जय, बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, मुनि सुरनाथ भगवान की जय, बोलो पदम प्रभु भगवान की जय, बोलो चौबीसों भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवत विद्या सागर जी महाराज की जय, बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय।
Thank you.
नव जिनालय बनाया, पुराना मंदिर हमने नया बनाया उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज के निर्देशन में, पूरे उनके उनके साथ उन्होंने जो जैसे जैसे समझाया हमने वैसे वैसे कार्य कराया। अब पूरा मेरे जैन समाज ने मेरा सब सहयोग कराया, पूरी जैन समाज की कमेटी ने मेरा पूरा सहयोग कराया, और स्पेशल जो पंडाल का और सारी चीज़ों की जो व्यवस्था है, हमारे संजय काक जी हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने सारी व्यवस्था देखी है, पंडाल की, खाने की, सब चीज़ों की व्यवस्था में उन्होंने पूरा रात दिन लगा के पूरा पंडाल को व्यवस्थित कराया, पूरे चीज़ को व्यवस्थित कराया, और ये हमारा शुभ कर्म का उदय है जो ये हमारे कार्य पूरी तरह से सफल हो रहा है। मैं संदीप जैन, महामंत्री श्री दिगंबर जैन मंदिर, पंचायती मंदिर, बैंक एनकेबल से बोल रहा हूँ, और यह पंच कल्याणक महोत्सव जो हमारे उपाध्याय गुप्ती सावकर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो, परम आशीर्वाद से हो रहा है, और उनके सानिध्य में जो जो उनके निर्देश हैं उस हिसाब से हमारा ये पंच कल्याणक बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस हमारे महावीर नव जिन मंदिर का नाम भी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी ने हमें दिया है, और ये हमारा मंदिर बहुत ही भव्य और बन रहा है और बन गया है, जिसमें हमने चौबीसी की स्थापना की है, और समोषण श्री जिन का समोषण, महावीर भगवान का समोषण भी बनाया है, और हमने सारा इसके अंदर जो काम कराया है पत्थर की नक्काशी से, सब हमने भाव और सभी तीर्थों के इसके अंदर हमने दर्शाया है, जिससे कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर मंदिर में हमारे दर्शन करने आए उनके भाव और बने, और सब जगह के दार्शनिक स्थलों के अतिशय क्षेत्रों के सबके दर्शन भी कर सके। हम इस पंच कल्याणक महोत्सव की जो व्यवस्था है, हमारी सभी कमेटी के सभी मेंबर और हमारे पूरे समाज की अथाह प्रयासों से बहुत हर्षोल्लास से और उत्साह से मनाया जा रहा है, और हमारे आसपास के जितने भी जैन मंदिर और हमारे क्षेत्र हैं उनके भी सभी भाई बहन और सब लोग आके बहुत ही खुशी से इस उत्साह का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। अभी हमारे प्रधान जी ने और महामंत्री जी ने मंदिर निर्माण और पंचकल्याणक महोत्सव के बारे में आप लोगों को सूचना दी। मैं इससे थोड़ा पीछे चलता हूँ। उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी के अथक प्रयास से हम लोग इतने तत्पर हुए, नहीं तो हम शिथिल थे। उनके पीछे 20-25 वर्ष के अथक प्रयास से हमने मंदिर का रिनोवेशन, जिसे कहते हैं, पुराने मंदिर की जगह ये नए मंदिर का निर्माण कराने की सोची, और आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व उपाध्याय श्री की सानिध्य में धर्मसभा हुई, और जिसमें मंदिर के लिए पैसा एकत्रित किया गया और ये निर्णय लिया गया कि शीघ्र अतिशीघ्र इस मंदिर को एक सुंदर भवन के रूप में, एक सुंदर मंदिर के रूप में इसका निर्माण कराया जाए। और आप लोगों को अब मैं आमंत्रित करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। आप आइए, आपको निमंत्रण है हमारा, मंदिर के दर्शन करने के लिए आइए और इसकी भव्यता को देखिए, और अपने विचार इसके बारे में हमें प्रकट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। ये सारा श्रेय हमारे प्रधान जी और उनकी टीम व महाराज श्री गुप्ती सागर जी, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज को जाता है, मुख्य रूप से उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज। और अब हम पंचकल्याणक मना रहे हैं एक उत्सव के रूप में, सारा समाज एकत्रित होके इसको ऐसे मना रहा है जैसे सबके घर का कार्यक्रम है, सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इतना सुंदर प्रभाव होता है। और जो लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अगर आज वो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज दोपहर में भी 2:30 बजे के लगभग हमारा कार्यक्रम होगा। भगवान का आज केवल ज्ञान है, दिव्य समोषरण की रचना यहाँ की जा रही है, कल सुबह मोक्ष होगा और हमारी शुद्ध की हुई मूर्तियाँ मंदिर जी में स्थापित होंगी। अभी आप देख रहे थे 10 मार्च से 15 मार्च 2023 तक राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित DDA ग्राउंड में चल रहे श्री 1008 श्री मंजनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में भक्तगणों ने आज विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के साथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया और अपने जीवन को धन्य बनाया।
तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।